अभनपुर के चंपारण में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 34 में से 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक गर्भवती महिला और एक साल का बच्चा भी शामिल है। ये सभी 34 महिला पुरुष कामगार मजदूर हैं जो पिछले महीने मुंबई से वापस लौटे थे। प्रशासन द्वारा इन्हें चंपारण के शासकीय उच्चतर स्कूल में क्वारंटाइन करते हुए इन सभी के स्वाब सैंपल लेकर मेकाहारा जाँच केंद्र भेजा गया था, जिसके बाद इन सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर प्रशासन का संयुक्त अमला क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा और बेहद सावधानी के साथ सभी को माना स्थित कोविड अस्पताल भेज दिया गया है। चंपारण में 19 लोगों के साथ अभनपुर क्षेत्र में कुल पॉजिटिव की संख्या महज 27 घंटों के अंदर 27 तक पहुंच गई है। बता दें, शनिवार दोपहर क्षेत्र का पहला पॉजिटिव ग्राम मोहंदी में मिला था, लेकिन रात होते होते आंकड़ा 8 पहुंच गया था, जिनमें 4 गोबरा नवापारा के थे। सभी को शनिवार रात ही माना भेज दिया गया था। इस झटके से क्षेत्र के लोग उभरे भी नहीं पाए थे कि आज चंपारण में कोरोना विस्फोट हो गया। कोरोना से जंग अब भी जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। ऐसे में बार बार नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, अब खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.